अगर मैं अंबेडकर की बात कर रहा हूँ, वो टारगेट करने में कि ये दलित है क्या, सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के अराउंड इसका रिकॉर्ड करता है आइडिया से, उस तरीके से ये काशी सुंदर और स्वामी भवन को हम को भी को मैं नहीं कहूँगा, हाँ लेकिन काशी सुंदर इस तरीके से मुझे झेलना पड़ता है। दिस इज समथिंग लाइक समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर एंड आई अंडरस्टैंड द स्ट्रगल्स ऑफ यू नो अ PCM स्टूडेंट जब वो टेंथ से प्रिपेयर करता है कि ओके आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, और इस कंट्री में बहुत सारे मतलब हर नुक्कड़ पे आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसके बाद एक पूरा प्रोसेस है जब बच्चा कोचिंग कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है विथ दिस थिंग इन द माइंड कि मुझे आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, वो पूरा एक ये कि किसी नॉर्मल कॉलेज से ना होकर द स्टूडेंट गेट्स एडमिशन इन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ दिस कंट्री विच इज IIT. और अपने ख्वाब को अपने दिमाग में रख के वो आगे बढ़ता चला गया है, और उसको सिर्फ 3 महीने हुए ही फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो सिर्फ 3 महीने से ही मतलब अपना कर फाइनली मतलब ही वाज लिविंग हिज ड्रीम एंड देन समथिंग लाइक दिस हैपेंस। मैं खुद ही उस समुदाय से ताल्लुक़ रखता हूँ जिस समुदाय से प्रशांत सिन्हा की समुदाय से जिनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, जिन्हें मारा कंपेल किया गया, जैसे रोहित वेमुला को कंपेल किया गया था, फातिमा लतीफ़ को कंपेल किया था, नजीब को कंपेल किया गया था, जिस तरीके से नजीब तो अभी 6 साल से पता नहीं कहाँ है, खुद मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या हुआ, फातिमा लतीफ़, पायल तड़वी, और ये बेसिकली क्यों दलित आदिवासी और मुस्लिम स्टूडेंट ही जान गंवा रहे हैं और इनको ही क्यों कंपेयर करना पड़ रहा है लाइफ में, क्योंकि इस तरीके का उस कॉम्युनिटी सवर्ण कॉम्युनिटी में सेंसिटाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। जब वो आते हैं इस तरीके कास्टिक स्लर्स और इस तरीके का इस्लामोफोबिक बातें वो करते हैं जो कि बहुत ही बुरा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस को नहीं समझते, जिस एक्सपीरियंस से दलित आता है उसके पास कुछ नहीं रहता एडुकेशन के सिवा, जब वो बाहर रहते हैं तो वही डिस्क्रिमिनेशन, और जब इंस्टीट्यूशन के समय आते हैं तो वो सोचते हैं सेफ स्पेस हमें मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी वही डिस्क्रिमिनेशन, तो वो जाए फिर जाए। दर्शन सोलंकी की घटना के कई मायने हो सकते हैं, पहला तो ये है कि IIT मुंबई जैसे संस्थान में अगर किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है स्टूडेंट के कॉन्शियसनेस पे भी, कि स्टूडेंट इतना एलीट क्लास या इतना अच्छा जो है संस्थान में जाके किस तरह की मानसिकता रखता है, ये एक बहुत बड़ा जो है सोचने का विषय है हमारे पूरे देश के लिए, कि आज वो ये जो है 2023 चल रहा है ना, इस शताब्दी में भी आके हम लोग अगर इस तरह की कोई चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बहुत ही एकदम मतलब हमारे समाज के लिए एक धब्बा है। लोग कहते हैं कि कोई कास्ट सिस्टम नहीं है इस कंट्री, इट इज वेरी इजी फॉर द प्रिविलेज्ड क्लास टू से, बट कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है कि खाली रिजर्वेशन से क्या सोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि मानसिकता नहीं बदल रही, ना ही उसके क्लास के पढ़ने वाले बच्चों की मानसिकता बदली थी क्योंकि वो उसको सेफ नहीं फील करा पाए, ना वहाँ के टीचर्स की बदली थी क्योंकि वो टीचर्स से नहीं बोल पाया कि मैं कुछ ऐसा फील कर रहा हूँ, और ना ही एडमिन एक ऐसा एटमॉस्फेयर उस यूनिवर्सिटी में उस इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज में बना पाया जहाँ से कि मतलब सबसे बेस्ट इंजीनियर्स निकल रहे हैं, कि वहाँ पे एक बच्चे को इक्वल फील हो पाता और उसको लगता कि हाँ ठीक है यहाँ से मेरी लाइफ शुरू हो रही है, मैंने सब कुछ जीत लिया, बट इन द एंड ही लॉस्ट एवरीथिंग, लाइक अ फैमिली लॉस्ट एवरीथिंग। So this is, yes, this is an institutional matter. This is how, as an engineering student, as a student, I see the whole thing. Protest तो होना ही चाहिए, protest एक counter जो है public स्तर बनाने का और marginalized section की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का एक जरिया होता है, protest होना चाहिए। और रही बात casteism की, तो casteism कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में है। आमतौर पर क्या होता है कि अब चूंकि लोग पढ़ लिख गए हैं तो थोड़ा तरीका बदल गया है उनका casteism प्रैक्टिस करने का, अब लोग एकदम से डायरेक्ट नहीं आपसे पूछेंगे आपकी जाति क्या है, वो कई तरह के अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे, फिर वो उसी बेसिस पे फिर वो जज करते हैं, फिर उसी हिसाब से थोड़ा उनका ट्रीटमेंट भी होता है।
और ये हर जगह है, ऑलमोस्ट किसी भी संस्था में आप जाइए, कहीं भी जाइए, तो इसको खत्म करने की जरूरत है और सबको मिलके इसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार कौन चला रहा है? ब्राह्मणिकल वे में सरकार चल रही है। जो ब्राह्मणिकल वे में सरकार चल रही है, ब्राह्मणिकल वे से सरकार चल रही है, जो वर्ण सिस्टम में बिलीव करती है, वो सरकार क्यों चाहे कि दलित समुदाय को, दलित के घर खाना खा लेने से आप मतलब एंटी कास्ट नहीं हो गए? आप हर इलेक्शन में दलित के घर को जाके खाना खाते हैं और कहते हैं कि भाई हमने दलित के घर यहाँ पर, लेकिन ये बात देखने की जरूरत है कि यहाँ पर आपको बताना पड़ रहा है कि हम दलित के घर, मतलब आज भी बताना पड़ रहा है कि आप दलित के घर खाना खा रहे हैं, मतलब आपको बोलना पड़ रहा है। तो ये गवर्नमेंट जब भी ब्राह्मणिकल वे, कांग्रेस भी, कांग्रेस कोई दूध की धूली नहीं, उसके समय भी जब वो भी उस सिस्टम में बिलीव करती है, बस ये जो 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 इस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्यों नहीं वो एक्ट लागू किया गया? और हर रोज दलित महाराज मारा जा रहा है, क्यों सवर्ण कम्युनिटी से लोग नहीं मर रहे हैं? क्यों सवर्ण कम्युनिटी, मैं नहीं कहता हूँ कि कोई भी किसी की भी डेथ मतलब अच्छी है और होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ दलित, मुस्लिम, आदिवासी, क्यों इनको कंपेल किया जा रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं समाज में बुराई है, उस समाज को एड्रेस करने की बहुत बहुत जरूरत है। जब तक ये सवर्णा अपने आप को नहीं समझे कि हमें डिकास्ट करना है, हमें कैसे दलितों के साथ और मतलब मुसलमानों के साथ बात करनी और एड्रेस करना है चीज़ों को, तब तक मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी चेंज हो पाएगी।